हाँ भाई, ड्राइव कर रहा था तो वो राजू श्रीवास्तव का ऐड आया। अरे भैया, आपको कब्ज है क्या? अरे अच्छा सुन, मुझे भी थोड़ी दिक्कत लग रही है, मैं ना सोशल मीडिया से होके आता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? क्या नाम है? रोहन जोशी? खबर पक्की है? ठीक है फिर। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों को, पूरे देशवासियों को, एक बहुत बुरी खबर ने झकझोर के रख दिया था। वन ऑफ द वेरी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियंस ऑफ इंडिया, राजू श्रीवास्तव जी। ये मीम आपने उनका जरूर देखा होगा कि हाँ ये कर लो पहले। इनकी कल, हम कह सकते हैं कि कल ये पंचतत्व में विलीन हुए, कल इनकी डेथ हुई। काफ़ी समय से ये कोमा में थे, काफ़ी समय से हॉस्पिटलाइज थे, अगस्त से ही थे। एंड ये बुरी खबर कल दिन के समय सभी लोगों को मिली। अब राजू श्रीवास्तव को जो जनरेशन जानती है, जिनको मालूम है कि राजू श्रीवास्तव या हमारे गजोदर भैया जो हैं वो कितने फेमस हैं, कितनी उनकी वाइब रही है, कितने लिट रहे हैं, कितने वोक रहे हैं अपने समय में, ये वही लोग जानते हैं जो लोग जानते हैं। अब बात यहां ये आती है कि भाई, इंटेलेक्चुअल होना सभी का अधिकार है, वोक होना सभी का अधिकार है, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करना सभी का अधिकार है। लेकिन भाई, बाकी सब ठीक है, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसकी मृत्यु पे ऐसा कमेंट करना कहां तक जायज है? ठीक है, इस कमेंट के बारे में बात करेंगे। ये कमेंट किया गया है AIB के वन ऑफ द मेंबर्स। AIB आप लोगों ने सुना ही होगा, चैनल था यूट्यूब पे काफी फेमस, उसके वन ऑफ द मेंबर्स के द्वारा ये कमेंट किया गया। मेंबर का नाम है रोहन जोशी। अब तो खैर AIB डिसॉल्व हो गया, तो रोहन जोशी ठीक कॉमेडियन है और कॉमेडी के कई सारी सीरीजेज और कॉम्पिटिशन में ये जज की तरह आते हैं। ठीक है, इस पे आने से पहले, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई भौकाल सवाल क्या है। आज के सेशन का सबसे बड़ा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्या? ये जो कॉमेडी की दुनिया है, इस कॉमेडी की दुनिया को कहा जाता है कि भैया आर्ट है, अपने तरीके का ये एक आर्ट फॉर्म है। अब सवाल ये है कि ये जो आर्ट फॉर्म है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में जैसा हमें प्रोवाइडेड है, उसके बारे में हमने हर बार सुना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, लिमिटेड है। ठीक, लेकिन आज के इस वीडियो का भौकाल सवाल यह है कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्चुअली लिमिटेड? जरा इस बात को सोचो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में प्रोवाइडेड है, 19(2) में आपको इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि भैया काफी तगड़े रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फॉलो इक्का दुक्का ही किए जाते हैं, उसके अलावा बाकी सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के परव्यू में आता है। लेकिन यह सवाल मैं पूछ क्यों रहा हूं, यह पूरा सिनारियो क्रिएट क्यों हो रहा है, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं छोटा सा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यह है कि ये हमारे एक अंकल है, अतुल खत्री साहब, ये एक कॉमेडियन है, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और एक ग्रुप EIC का पार्ट रहे हैं, ईस्ट इंडिया कॉमेडी का पार्ट रहे हैं। कल जब राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हुई तो इन्होंने एक मैसेज डाला सोशल मीडिया पे, रेस्ट इन पीस राजू भाई, यू वर सच एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी, वेन एवर यू वेंट टू स्टेज यू लिट इट अप, योर प्रेजेंस वॉज सच दैट वेन पीपल जस्ट सॉ यू देर वॉज एन ऑटोमेटिक स्माइल ऑन देयर फेसेस, यू विल बी ट्रूली मिस्ड, अ बिग लॉस फॉर द इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी सीन। एक स्टैंडर्ड कंडोलेंस राजू श्रीवास्तव जी के लिए, उनकी फैमिली को सांत्वना दी गई है, एक एक बेसिक सा मैसेज है। इस मैसेज पे एक रिप्लाई आया जो कि था ये, आई एम वेरी श्योर इस रिप्लाई को बड़े आराम से प्रॉपर पिक्सल के साथ आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। क्या रिप्लाई था? अब भैया, जो हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है उसको हम अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। वी हैवेंट लॉस्ट अ थिंग, वेदर इट वॉज कामरा, यहां पे कुणाल कामरा की बात हो रही है, इट वॉज द रोस्ट और एनी कॉमिक इन द न्यूज, राजू श्रीवास्तव टुक एवरी अपॉर्चुनिटी ही एवर गॉट टू शिट ऑन न्यूअर कॉमिक्स, आई एम अगेन
वेरी सॉरी फॉर यूजिंग द लैंग्वेज, जैसा लिखा ना सिर्फ वो पढ़ रहा हूं. ऑन न्यूअर कॉमिक्स स्पेशली आफ्टर द न्यू वेव ऑफ स्टैंड अप स्टार्टेड. यहां पे जो ये न्यू वेव ऑफ स्टैंड अप स्टार्टेड की बात हो रही है, ये रोस्ट कॉमेडी की बात हो रही है या इंसल्ट कॉमेडी की बात हो रही है, जिसको लेकर के ज्यादातर जो हमारे कॉमेडियंस थे वो पुराने कॉमेडियंस वो फेवर में नहीं थे, इसके फेवर में नहीं थे. ठीक, आगे देखिए. ही वेंट टू एवरी न्यूज चैनल एवरी टाइम ही वॉज इन्वाइटेड टू गो ऑन एन अपकमिंग आर्ट फॉर्म, ठीक, एंड कॉल इट ऑफेंसिव जस्ट बिकॉज ही कुंड अंडरस्टैंड इट एंड न्यू स्टार्स वर राइजिंग. ठीक है, इनका ये कहना है कि जब तक ये गए, ये जब भी इनको मौका मिला, इनको न्यू आर्ट फॉर्म के बारे में, रोस्टिंग के बारे में जब भी बोलने का मौका मिला, इन्होंने हर न्यूज चैनल पे जाकर के बकवास की. ऐसी इनकी लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है जैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये इसका मतलब निकलता है. ही माइट हैव टोल्ड अ फ्यू गुड जोक्स. अब देखिए जरा कौन क्या बोल रहा है. ही माइट हैव टोल्ड अ फ्यू गुड जोक्स बट ही अंडरस्टूड नथिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ कॉमेडी और डिफेंडिंग समवन्स राइट टू से समथिंग इवन इफ यू डोंट अग्री. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की गई है और उसके बाद हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है. मेजर जो नेटिजन्स हैं या ट्विटराटीज हैं या जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जिन्होंने भी ये कॉमेंट देखा, ये कॉमेंट डिलीट हो चुका है. इस कॉमेंट पे जो ये लास्ट शब्द लिखा हुआ है ये मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ये बाकी की सारी चीजें वैसे भी प्रॉब्लमेटिक हैं लेकिन ये शब्द गुड रिडेंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. लेकिन अगर हम राजू भैया की माने तो राजू भैया तो अभी भी बढ़िया स्वर्ग में बैठ के यही सोचते होंगे कि हाँ हाँ रोहन जोशी पहले तुम ये आराम से कर लो, अमीर लोग करते होंगे तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं. लेकिन इस बात को जरा समझिए, हम लोग इसको लाइटली लें या हम लोग इसको सीरियसली लें, सवाल तो यही है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस हद तक जायज है. अच्छा चलिए ये तो बात रही कि सिनारियो क्या हुआ, अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में. ये जो अंकल रहे हैं रोहन जोशी साहब, ये AIB का पार्ट रहे हैं, आप लोगों को मालूम है. ये तन्मय भट्ट हैं, ये आशीष शाक्या हैं और ये गुरसिमरन खंबा हैं. इनका जो AIB चैनल था आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, AIB, ये अपनी रोस्ट कॉमेडी के लिए जाना जाता था. रोस्ट कॉमेडी होती है जिसमें कि फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को इंसल्ट किया जाता है, ये रोस्ट कॉमेडी होती है. ठीक है, अब इसके बाद लेजिस्लेचर का एक टेक देखते हैं कि लेजिस्लेटिव टेक इस पे क्या है. लेजिस्लेटिव टेक में सबसे पहले हमारे सामने आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 91A में है, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट 192 में, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी हर एक व्यक्ति के लिए. ठीक, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन यानी मानहानि, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया. भाई लेजिस्लेचर का तो ये टेक है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करो लेकिन डिसेंसी मोरालिटी तो रखो. समबडी हैज डाइड हियर एंड डिसेंसी मोरालिटी गई तेल लेने. ठीक, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना भाई. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफेमेशन. डिफेमेशन भी कोई चीज होती है, अब उसको समझते हैं. डिफेमेशन को जब आप पढ़ते हैं तो डिफेमेशन बेसिकली एक ऐसा इंप्यूटेशन होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मानहानि की जाए, यानी कि रेगुलर जो राइट थिंकिंग माइंड्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनकी नजरों में किसी व्यक्ति की जो एक इमेज है उसको धूमिल किया जाए. ठीक, उसके कुछ एक्सेप्शंस आते हैं. डिफेमेशन एक्सेप्शंस आर इंप्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश, पब्लिक कंडक्ट, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन अप्रोचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, मेरिट्स ऑफ अ केस, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, सेंसर, पास्ट एक्यूजेशन डिजायर्ड इन गुड फेथ, इंप्यूटेशन मेड इन गुड फेथ, कॉशन इंटेंडेड फॉर द गुड ऑफ द पीपल. अब आपको लग रहा होगा कि इनमें से कोई भी एक्सेप्शन या कोई भी सिनारियो या इवन डिफेमेशन डायरेक्टली रोहन जोशी की कॉमेंट से तो कनेक्ट करता नहीं है. तो फिर यहां मसला क्या है भाई? मसला है ये जुडिशियल टेक. क्योंकि जुडिशियल टेक अगर आप देखोगे तो एक बहुत फेमस केस आप सभी लोगों ने सुना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी का, विच इज अबाउट एक्सप्लेनेशन वन ऑफ सेक्शन 499 IPC डिफेमेशन. एक्सप्लेनेशन वन लेस टू पोस्टुलेट्स दैट वन, द इंप्यूटेशन टू अ डिसीज्ड पर्सन इज ऑफ सच अ नेचर दैट वुड हैव हार्म्ड द रेप्यूटेशन ऑफ द पर्सन इफ ही वॉज अलाइव, एंड
The said imputation must be intended to be hurtful to the feelings of the family or other near relatives. यानी सीधी सीधी सी बात करें तो ये जो मामला अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पूरी तरीके से डिफेमेशन की कैटेगरी में तो फॉल नहीं करेगा, ठीक। लेकिन ये फ्रेंड्स नियर रिलेटिव्स जो हैं उनको पूरी तरीके से तोड़ के भी रखता है। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। अनलेस दीज ट्विन टेस्ट आर सैटिस्फाइड द कंप्लेनेंट वुड नॉट बी एंटरटेन अंडर सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी। भैया कोई प्रोसीजर ही नहीं है। द सेड एक्सप्लेनेशन प्रोटेक्ट्स द रेपुटेशन ऑफ फैमिली और रिलेटिव्स। द एंटाइटलमेंट ऑफ डैमेजेस फॉर पर्सनल इंजुरी इज इन अ डिफरेंट स्फीयर वेयर अ क्रिमिनल कंप्लेंट टू बी फाइल्ड बाय द फैमिली मेंबर्स और अदर रिलेटिव्स अंडर ट्विन टेस्ट बीइंग सैटिस्फाइड इज इन अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ठीक, मतलब कि एक बात है यहां पे कि पर्सनल इंजुरी हुई है और दूसरा नियर रिलेटिव्स अगर उसी चीज को क्लेम करें तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की। बट सुप्रीम कोर्ट इसी केस में कहता है कि रेप्यूटेशन ऑफ वन कैन नॉट बी अलाउड टू बी क्रूसिफाइड एट द ऑल्टर ऑफ द अदर्स राइट ऑफ फ्री स्पीच। भाई किसी व्यक्ति का अगर फ्री स्पीच का अधिकार है तो क्या रेप्यूटेशन ही आप स्पॉइल कर देंगे। द लेजिस्लेचर इन इट्स विजडम हैज नॉट थॉट इट अप्रोप्रिएट टू अबॉलिश criminality of defamation in the obtaining social climate। जरूरत है बदलाव करने की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे बदलाव लाया जाए, क्या किया जाए। एक और केस यहां पे देखिए, संपूर्णानंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। देखिए जरा, अ सिस्टम ऑफ लॉ इज टू बी जज्ड नॉट मियरली बाय द मैनर इट ट्रीट्स द लिविंग बट ऑल्सो बाय रिगार्ड इट गिव्स द रिगार्ड दैट इट गिव्स टू द डेड। Reputation is indivisible. Indivisibility is an essential attribute of reputation. There is no distinction between the reputation of dead and the living. And this is the quintessence. यानी कि इसके बिना exist नहीं कर सकता किसी का right to life and personal liberty of the concept of reputation. Any bifurcation like the reputation of the dead and the reputation of the living would deprive the reputation from the content and deny its meaning. आप रेप्यूटेशन की बात ही क्यों कर रहे हो? अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लेके चल रहे हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की रेप्यूटेशन को हैम्पर करने का पूरा अधिकार है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। भाई सीधा सा रूल है कि अगर सबके पास सबकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हैम्पर करने का किसी भी रेप्यूटेशन को हैम्पर करने का अगर सबके पास अधिकार है, तो आप लोग मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्चुअली जैसा हम कहते हैं लिमिटेड है। जरा इस चीज को सोचो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेडिशन में तो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक। वहां पर जब अगर राष्ट्र पे पूरी तरीके से किसी प्रकार का कोई भी सेडिशियस अगर स्टेटमेंट लगाया जाए तो 124 है तो क्या फट से लगता है। लेकिन जब डिफेमेशन की बात आती है और अगर डेड पर्सन के डिफेमेशन की बात आती है, किसी ऐसे पर्सन की डिफेमेशन की बात आती है जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है, तो क्या उसको लेकर के, उसके परिवार को लेकर के थोड़ी सहानुभूति, थोड़ा कंडोलेंस, एक थोड़ी ह्यूमैनिटी हम नहीं रखते? भाई सवाल तो वही है ना कि UDHR में आर्टिकल 19 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, हमने एज इट इज उठा करके उसको रख भी दिया आर्टिकल 19 में हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में। बट ये भी तो समझो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं तो उनका पालन करना क्या जरूरी नहीं है? प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख करके बताइएगा कि आपका इस कॉमेंट पे और इस पूरे सिनारियो पे क्या टेक है। ये बात आप लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि रोस्ट कॉमेडी इज एन आर्ट फॉर्म। भाई लोग वीडियो बनाते हैं और लोग वीडियो देखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये एकदम हॉस्टाइल एक सिनारियो है। लेकिन ये जरूर सच है कि वो रोस्ट कॉमेडी हर एक व्यक्ति को अच्छी लगे ये भी जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति उस कॉमेडी को लेकर के कह सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो वो अपना ओपिनियन व्यक्त करने के लिए उसी प्रकार हक रखता है जैसा कि रोज कॉमेडी करने वाला व्यक्ति रखता है। तो जरा इस बात पे गौर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या एक्चुअली हमारी कंट्री में लिमिटेड है या सिर्फ इसको एक जामा पहना दिया है कि जब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट सेडिशन होगा या कुछ लिमिटेड केसेस में ही हम अप्लाई करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ओवररीच किया गया, अदरवाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिसेंसी, मोरालिटी, इसके कोई एक्सेप्शंस नहीं है, सिर्फ संविधान में लिखने वाली बोलने वाली बातें हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये आप जज करिएगा, आप मुझे बताइएगा।
एंड ध्यान रखिएगा, डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मेरे जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वो सारे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जो आज लास्ट डे है उसका। इफ़ यू विश टू ज्वाइन अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, इफ़ यू बाय द सब्सक्रिप्शन फॉर 18 मंथ्स, यू कैन गेट एन एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स, एंड फॉर 24 मंथ्स यू कैन गेट एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मंथ्स। जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10, दैट इज माई कोड। यूज इसको कीजिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। लेकिन ये जरूर बताइएगा कि भाई क्या सच में ये करना ठीक है, क्या ये चीज सही हुई, क्या ये बात अच्छी लगी, क्या इस बात में कॉमेडी थी, शायद नहीं थी। जैसा भी हो मुझे बताइएगा। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों के कॉमेंट्स का, आप लोगों के विचारों का वेट करूंगा। साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जिस भी वक्त आप इसे देख रहे हो, बेला चाओ, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, जय हिंद, बाय बाय।